हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अडा फूड बैंकर्स में आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी, यहाँ पर आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है कि इस वीडियो का लिंक जल्दी से कॉपी कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ में, कलीग्स के साथ में जल्दी से शेयर कर दीजिए, सो दैट वो हमारे साथ में कनेक्ट हो सकें। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्टिव पेपर रिटेल बैंकिंग, में डिजिटल बैंकिंग को इंक्लूड किया गया है। आप सभी को पता है कि आपका सीआईबी का एग्जाम जून 2021 में होने वाला है, और आपका जो एग्जाम जून 2021 में होगा उसमें सबसे ज्यादा चूज किया जाने वाला, सेलेक्ट किया जाने वाला पेपर है रिटेल बैंकिंग। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है जिसका नाम है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। इस टॉपिक से जो एग्जाम दिसंबर 2020 में हुआ था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए थे, और इस टॉपिक को हम पूरा डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज इसका हम पार्ट वन आपके लिए लेकर आए हैं, इसका पार्ट टू, पार्ट थ्री भी आपके लिए आने वाला है। तो हमारे साथ में लगातार कनेक्ट रहें, हमारे साथ में लगातार जुड़े रहें, आपको पार्ट टू और पार्ट थ्री भी हम इसका प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि इस टॉपिक को पूरा डिटेल में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो यहां पर हम जो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में वो होगा जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं उसके इश्यूएंस और ऑपरेशंस को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो गाइडलाइंस हैं अपडेटेड हैं नवंबर 2020 तक की, ये जो गाइडलाइंस हैं अपडेटेड हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो भी हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं वो एकदम अपडेटेड होगा यहाँ पर। और आपका जो एग्जाम जून 2021 में होगा उसमें दिसंबर 2021 तक के जितने भी अपडेट आए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जब हम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस हैं कौन से एक्ट में इशू की गई हैं। तो भाई अगर हम पीपीआई की बात करें, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इसकी जो गाइडलाइंस है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इशू करता है अंडर सेक्शन 18 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, चाहे हम बैंक्स की बात करें या नॉन बैंक एंटिटीज की बात करते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस इशू हैं पीपीआई को लेकर। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि ये कब से इफेक्टिव हुआ है, तो दिस इज इम्प्लीमेंटेड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 11th of October 2017, 11 अक्टूबर 2007 से ये इम्प्लीमेंट हो गया है। और अगर हम लोग यहाँ पर इन पीपीआई डायरेक्शंस की बात करते हैं, ये किसके ऊपर अप्लाई होती है, किसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है, तो भाई ये जो डायरेक्शंस हैं पीपीआई को लेकर ये उन सभी बैंक या नॉन बैंक एंटिटीज के ऊपर इंप्लीमेंट होती हैं जो पीपीआई के इश्यूअर हैं या यहाँ पर सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं जो पीपीआई के लिए सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, या यहाँ पर इस सिस्टम में जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके ऊपर ये गाइडलाइंस यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाती हैं। उसके बाद में अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं जो पीपीआई में इंक्लूड होती हैं, या अगर हम एंटिटीज की बात करें एंटिटीज का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा। तो एंटिटीज का मीनिंग है यहाँ पर बैंक्स एंड नॉन बैंक एंटिटीज की बात की जा रही है। इट मीन्स पीपीआई कौन इशू कर सकता है, यहाँ पर जो बैंकिंग एंटिटीज हैं वो भी पीपीआई इशू कर सकती हैं और जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैं वो भी यहाँ पर पीपीआई इशू कर सकती है। बट पीपीआई इशू करने के लिए यहाँ पर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक बैंक या नॉन बैंक एंटिटी को अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक वो पीपीआई इशू नहीं कर सकती। तो यहाँ पर चाहे किसी भी बैंक या नॉन बैंक एंटिटी को यहाँ पर पीपीआई इशू करना है या इसका जो प्रपोजल है टू इशू पीपीआई करना चाहती है, तो उस केस में उसको जाना पड़ेगा किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास जाकर यहाँ पर अप्रूवल लेना होगा, तभी वो बैंक यहाँ पर पीपीआई इशू कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद हम लोग आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो इश्यूअर होते हैं, इश्यूअर कौन हो सकता है।
ना, ईश्वर यहाँ पर कौन हो सकता है? जो ईश्वर का मतलब है जो यहाँ पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को इश्यू कर सकता है, वो कौन हो सकता है? तो यहाँ पर ऐसी एंटिटीज ऑपरेटिंग द पेमेंट सिस्टम इश्यूइंग पीपीआई टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ऐसी एंटिटीज, ऐसे ऐसे इश्यूअर जो किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस को ना पीपीआई इशू कर रहे हैं, किसके लिए? यहाँ पर पेमेंट के लिए या गुड्स एंड सर्विसेज को सब्सक्राइब करने के लिए, परचेज करने के लिए। तो इन दैट केस यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, मनी सो कलेक्टेड इज यूज बाय दीज एंटिटीज टू मेक पेमेंट टू मर्चेंट्स। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, जो इश्यूअर होता है वो इन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन से मनी को कलेक्ट करेगा, पैसे को कलेक्ट करेगा और इनको एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू कर देगा, और ये उस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को मर्चेंट के पास लेकर जाएंगे। मर्चेंट उस पीपीआई को एक्सेप्ट करेगा और उस पीपीआई को एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर फंड ट्रांसफर की या रेमिटेंस सर्विस से रिलेटेड या जो अदर फैसिलिटीज है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये है किसकी किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ईश्वर के बारे में। ईश्वर कौन हो सकता है और किस तरीके से वो काम करेगा, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आता है होल्डर। होल्डर कौन होगा? जिसने यहाँ पर किसको, जो इश्यूअर है उसको मनी दी है ना, एक अमाउंट पे किया है और बदले में उसको पीपीआई मिला है, तो जिसके हाथ में पीपीआई है वो यहाँ पर होल्डर कहलाएगा। वो कौन है यहाँ पर? दैट इज होल्डर। तो अगर मैं होल्डर की बात करूँ, होल्डर यहाँ पर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो, कोई कंपनी फर्म भी यहाँ पर होल्डर हो सकती है, जिसने भी यहाँ पर इश्यूअर से जो पीपीआई इंस्ट्रूमेंट है उसको परचेज किया है, ऑब्टेन लिया है ना, ऑब्टेन किया है कहाँ से? इश्यूअर के पास से। क्या करने के लिए? होल्डर ने ये पीपीआई क्यों लिया है? होल्डर ने ये जो पीपीआई है वो यहाँ पर या तो गुड्स परचेज करने के लिए या सर्विसेज परचेज करने के लिए या किसी फाइनेंशियल सर्विसेज को सब्सक्राइब करने के लिए या कोई किसी रेमिटेंस फैसिलिटी के लिए, रेमिटेंस का मतलब क्या है यहाँ पर? फंड ट्रांसफर करने के लिए पीपीआई को ऑब्टेन किया है या परचेज किया है, किससे? इश्यूअर से। तो होल्डर क्या करता है? होल्डर इश्यूअर को एक अमाउंट देगा और जो इश्यूअर है वो होल्डर को यहाँ पर पीपीआई इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर दे। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर पीपीआई क्या होते हैं, व्हाट इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, किसको हम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कहेंगे? तो भाई अगर हम लोग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इश्यूअर इशू करता है किसको? होल्डर को, है ना। होल्डर इसकी हेल्प से क्या कर सकता है? ये होल्डर को फैसिलिटेट करता है क्या परचेज करने के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए होल्डर को फैसिलिटेट करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं या फंड ट्रांसफर फैसिलिटीज हैं उस वो भी यहाँ पर इन फैसिलिटीज को भी अवेल कर सकता है। कौन? पीपीआई का होल्डर। और यहाँ पर ये जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने की बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज को सब्सक्राइब करने की बात करें या रेमिटेंस फैसिलिटीज की बात करें, तो उस पीपीआई में जो भी वैल्यू स्टोर की गई है ना, उस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में जो भी वैल्यू स्टोर की गई है उस वैल्यू के इक्वल ही वो यहाँ पर, है ना, चाहे गुड्स को परचेज कर ले, चाहे सर्विसेज को, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें या रेमिटेंस कर सकता है ना। इसलिए यहाँ पर जो पीपीआई इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो एक वैल्यू है वो पहले से ही स्टोर कर दी जाती है ना, वो पहले से ही उसमें अवेलेबल होती है। तो क्या पीपीआई के डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं? क्या पीपीआई में यहाँ पर डिफॉल्ट होने का कोई कोई यहाँ पर चांस बनता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीपीआई में यहाँ पर पहले से एक वैल्यू स्टोर है तो इसलिए वो डिफॉल्ट नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगर हम पीपीआई की बात करें, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, कैन बी इश्यूड इन दी कंट्री आर क्लासिफाइड अंडर थ्री कैटेगरीज। अगर हमारे देश में पीपीआई की बात करें तो पीपीआई जो इशू किए जाते हैं वो तीन फॉर्म में होते हैं, है ना, तीन तरह के जो पीपीआई हैं वो इशू किए जा सकते हैं हमारे कंट्री के अंदर यानी इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो आता है वो है क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई की बात कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड आता है सेमी क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई, और उसके बाद में अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं, थर्ड आता है ओपन सिस्टम पीपीआई। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना,
हाँ, आप सभी की तरफ से क्वेश्चन निकल कर आ रहा होगा कि ये जो क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई है, सेमी क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई है और ओपन सिस्टम पीपीआई होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें अंतर क्या है या इनका मीनिंग क्या है, ना? तो चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं, एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई के बारे में। दीज पीपीआई आर इश्यूड बाई एन एंटिटी फॉर फैसिलिटेटिंग दी परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भाई ध्यान रखिएगा, जो क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई हैं उनका यूज ओनली किसके लिए हो सकता है, उनका यूज यहां पर गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए ही होल्डर यूज कर सकता है। ऐसे जो क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई होते हैं इनको यहां पर कैश विड्रॉल के लिए यूज नहीं कर सकते, इनमें कैश विड्रॉल की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं होती। यही सबसे बड़ी खासियत है किसकी, क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई की। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ना, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो एक पॉइंट और आता है इसमें क्लोज सिस्टम पीपीआई में, वो क्या है, दीज इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट और सेटलमेंट ऑफ थर्ड पार्टी सर्विसेज। अगर किसी थर्ड पार्टी को यहां पर कोई पेमेंट करनी है या कोई सेटलमेंट करना है तो उसके लिए भी यहां पर जो क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई है उनका यूज नहीं किया जा सकता। उसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है सेमी क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई। जो सेमी क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई है, कौन से पीपीआई होते हैं, ये ऐसे पीपीआई होते हैं जिसमें होल्डर यहां पर जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उनको तो परचेज कर सकता है, इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं या रेमिटेंस फैसिलिटीज हैं उनका फायदा भी उठा सकता है। ये एक्टिविटीज भी सेमी क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई में इंक्लूड होती है ना। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर जो भी क्लियरली आइडेंटिफाइड ग्रुप हैं या जो मर्चेंट लोकेशंस हैं, है ना, जिसका या कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है, कोई कंपनी है या फर्म है जिसका यहाँ पर पीपीआई इश्यूअर के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पर अगर हम लोग बात करें ऐसे जो मर्चेंट्स होते हैं, ऐसी कंपनीज, ऐसे फर्म, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ये लोग यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज को फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसके साथ साथ रेमिटेंस फैसिलिटीज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो मतलब अगर हम लोग बात करें जो सेमी क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई है इनका जो दायरा है वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ वो थोड़ा सा वाइड होता है। चलिए बढ़ते हैं हम उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करेंगे, लेकिन इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, सेमी क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई में इसमें भी यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें डू नॉट परमिस कैश विड्रॉल, इसमें भी कैश विड्रॉल की जो फैसिलिटीज है वो अवेलेबल नहीं। भाई फिर जो कैश विड्रॉल की फैसिलिटी है वो कहाँ पर अवेलेबल होगी, तो कैश विड्रॉल की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होती है ओपन सिस्टम पीपीआई में। किसमें, जो ओपन सिस्टम पीपीआई होते हैं वहां पर कैश विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो जो ओपन सिस्टम पीपीआई होते हैं इसमें यहाँ पर गुड्स भी परचेज किए जा सकते हैं इनकी हेल्प से, इनकी हेल्प से जो सर्विसेज हैं उनको भी परचेज किया जा सकता है मर्चेंट के पास से, और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और जो रेमिटेंस फैसिलिटीज हैं वो भी इसमें प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो ओपन सिस्टम पीपीआई होते हैं इसमें कैश विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल होती है, एटीएम, किसी भी एटीएम पर जाकर यहाँ पर इन पीपीआई की हेल्प से कैश विड्रॉल किया जा सकता है, या कोई पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, पीओएस है, या कोई बीसी है, बिजनेस करस्पोंडेंट्स हैं, उसके पास से जाकर यहाँ पर कैश विड्रॉल किया जा सकता है इन पीपीआई की हेल्प से, कौन से, जो ओपन सिस्टम पीपीआई होते हैं। तो ये थे यहाँ पर तीन तरह के पीपीआई जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ था मर्चेंट, ये मर्चेंट कौन होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें ये मर्चेंट्स कौन होते हैं, तो भाई अगर हम मर्चेंट्स की बात करते हैं ये ऐसे एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, ये ऐसी एंटिटीज होती हैं, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका यहाँ पर पीपीआई इश्यूअर के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके साथ में, जो पीपीआई इश्यूअर होते हैं, है ना, और उसी के बिहाफ पर ये जो मर्चेंट्स हैं उन पीपीआई को, जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट में जो फैसिलिटीज है वो होल्डर को अवेलेबल कराते हैं। तो यहाँ पर जो पीपीआई इश्यूअर है अगेंस्ट सेल ऑफ गुड सर्विसेज और इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, इसकी जो फैसिलिटीज हैं वो मर्चेंट की तरफ से अवेलेबल कराई जाती है, क्योंकि इन सभी मर्चेंट का एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके साथ में,
यहाँ पर पीपीआई ईश्वर के साथ में। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अगर किसी भी एंटिटी को सेमी क्लोज या ओपन सिस्टम पीपीआई इश्यू करने हैं तो इसको लेकर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा, यानी ऐसी कौन सी एंटिटीज हैं जो एलिजिबल होंगी सेमी क्लोज या ओपन सिस्टम पीपीआई करने के वो इश्यू करने के लिए, वो कौन कौन सी एंटिटीज है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो बैंक हैं, बैंक शैल बी परमिटेड टू इश्यू सेमी क्लोज या ओपन सिस्टम पीपीआई, ओनली जो बैंक्स हैं वही यहाँ पर सेमी क्लोज पीपीआई या ओपन सिस्टम पीपीआई को इश्यू कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेने के बाद में। जब इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आरबीआई से अप्रूवल मिल जाएगा तो ये यहाँ पर पीपीआई इश्यू कर सकते हैं, सेमी क्लोज पीपीआई भी इश्यू कर सकते हैं और ओपन सिस्टम पीपीआई भी यहाँ पर इश्यू कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम किसी नॉन बैंक एंटिटीज की बात करें, जो नॉन बैंक एंटिटीज होती हैं उनको यहाँ पर ओनली परमिटेड है सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई, जो सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई है वही यहाँ पर इशू कर सकती हैं कौन, नॉन बैंक एंटिटीज। और ये नॉन बैंक एंटिटीज सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई को तभी इशू कर सकती हैं जब इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा। जब तक इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक ये यहाँ पर है ना सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई भी इशू नहीं कर सकती। ओके, या इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अगर सारी बातें आप सभी को क्लियर हो रही हैं तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कैपिटल एंड अदर एलिजिबिलिटी, जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी अगर यहाँ पर पीपीआई इश्यू करने हैं किसी अगर हम लोग बात करते हैं किसी नॉन बैंक एंटिटी को, अगर हम किसी नॉन बैंक एंटिटी की बात करें उसको पीपीआई इश्यू करना है तो उसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, उसके पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, चाहे हम किसी बैंक की बात करें या किसी नॉन बैंक एंटिटी की बात करते हैं, जो भी यहाँ पर रेगुलेटेड है ना भाई, सारी नॉन बैंक एंटिटीज, आरबीआई तो रेगुलेट नहीं करता है ना, जो अदर रेगुलेटर्स हैं वो भी यहाँ पर रेगुलेट करते हैं, जैसे सेबी रेगुलेट करता है, आईआरडीएआई रेगुलेट करता है ना, जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जब ये नॉन बैंक एंटिटीज है ना यहाँ पर अप्लाई करती हैं आरबीआई के पास किसी पीपीआई के लिए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पर अप्रूवल लेना है या यहाँ पर ऑथराइजेशन लेना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उस केस में यहाँ पर इन एंटिटीज को एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, इससे ये अपने जो पर्टिकुलर रेगुलेटर है, जो भी रेस्पेक्टिव रेगुलेटर है उससे यहाँ पर एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। कितने दिन के अंदर, विद इन 45 डेज, 45 दिन के अंदर एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा कि हम यहाँ पर पीपीआई इशू करना चाहते हैं और उस केस में हमारा जो रेगुलेटर है स्पेसिफिक रेगुलेटर उसको इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो भाई अगर हम किसी नॉन बैंक एंटिटीज की बात करें, जो नॉन बैंक एंटिटीज इंडिया में काम कर रही हैं और उन्हें अगर यहाँ पर पीपीआई इशू करना है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अप्लाई किया है तो उस केस में इनकी जो मिनिमम पॉजिटिव नेटवर्थ है दैट शुड बी ₹5 करोड़, कम से कम 5 करोड़ रुपए की इनकी नेटवर्थ होनी चाहिए। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है, आरबीआई ये कहता है कि 5 करोड़ तो स्टार्टिंग में होनी चाहिए, आने वाले जो 3 फाइनेंशियल ईयर होंगे, 3 फाइनेंशियल ईयर होंगे, बाय द एंड ऑफ 3rd फाइनेंशियल ईयर यहां पर जो इनकी नेटवर्थ है इट शुड बी एटलीस्ट 15 करोड़। ये कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 15 करोड़ हो जानी चाहिए। उसके बाद में अगर यहां पर जब इनको जो नेटवर्थ है वो मिनिमम 5 करोड़ होगी और आने वाले 3 सालों में, 3 फाइनेंशियल ईयर में 15 करोड़ हो जानी चाहिए, तो इसके साथ साथ यहां पर इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास में ऑडिटेड जो बैलेंस शीट है और जो नेटवर्थ है ना उसकी जो स्टेटमेंट है वो 31 मार्च को सबमिट करनी है। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर यहां पर इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट और नेटवर्थ की जो स्टेटमेंट है उसको सबमिट करना है। और अगर कोई यहाँ पर सबमिट नहीं कर पाता तो उस केस में उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्पेशल परमिशन लेनी होगी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर स्पेशल परमिशन प्रोवाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो अगर हम बात करें किसकी, जो एग्जिस्टिंग नॉन बैंक एंटिटीज हैं
ना, जो एग्जिस्टिंग नॉन बैंक पीपीआई इश्यूअर हैं उनके लिए बोला गया है कि अगर आप पहले से यहां पर पीपीआई इश्यूअर हैं तो उस केस में आपके ऊपर 5 करोड़ वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर कम से कम 15 करोड़, 15 करोड़ यहां पर आपको मेंटेन करके रखना ही होगा। ये मिनिमम आपको पास में, कम से कम आपकी जो नेटवर्थ है वो 15 करोड़ होनी ही चाहिए। उसके बाद में अगर हम लोग यहां पर ऑथराइजेशन प्रोसेस की बात करें, ये जो नॉन बैंक एंटिटीज हैं जो यहां पर सेटिंग अप पेमेंट सिस्टम फॉर द इश्यूएंस ऑफ पीपीआई, पीपीआई इश्यू करने के लिए एक जो यहां पर पेमेंट सिस्टम है उसको सेटअप करना चाहती हैं, तो उस केस में उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अप्लाई करना होगा। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अप्लाई करेंगे तो उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर इनकी स्क्रूटनी करने के बाद में, एंड यहाँ पर एक तरीके से इनकी जो एप्लीकेशन है, जो यहाँ पर फिट क्राइटेरिया है उसको चेक करने के बाद में इनको यहाँ पर एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल देता है, इनिशियल 4-6 मंथ, है ना, स्टार्टिंग के जो 6 महीने हैं या यहाँ पर जो भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलता है दैट विल बी वैलिड फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए ये वैलिड होता है ना। 6 महीने के लिए इनको स्टार्टिंग में ऑथराइज किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये जो 6 महीने हैं, ये जो विद इन 6 मंथ है, इन 6 महीने के अंदर उस एंटिटी को यहाँ पर जो पीपीआई इश्यूअर है उसको क्या करना होगा, आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास SAR सबमिट करना होगा। SAR क्या होता है, दैट इज सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट। जो सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट है वो यहाँ पर आरबीआई के पास विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर सबमिट करनी होगी। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सेटिस्फाई हो जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि ये जो पीपीआई इश्यूअर है सही काम कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको फर्दर यहाँ पर रिन्यूअल कर देता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर कोई भी पीपीआई इश्यूअर यहाँ पर विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो SAR यानी सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाता है, तो उस केस में उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर इसको एक्सटेंशन दे भी सकता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ये किसके ऊपर, आरबीआई के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर चाहे तो 1 टाइम एक्सटेंशन देख सकता है फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगले 6 महीने के ये यहाँ पर एक्सटेंशन दिया जा सकता है कि आने वाले 6 मंथ में आपको हम 6 महीने और दे रहे हैं, आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आप SAR सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, जो भी एंटिटीज जिनको यहाँ पर फाइनल ऑथराइजेशन ग्रांट कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, है ना, और उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल गया है आरबीआई की तरफ से, उनको ऑथराइज कर दिया गया है पीपीआई इश्यूअर बनने के लिए, तो उस केस में उन्हें अपना जो बिजनेस है विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करना होगा। जब आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिल गया है ना, तो यहाँ पर ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिल गया है, उसके इश्यू होने के विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर बिजनेस स्टार्ट हो जाना चाहिए पीपीआई इश्यूअर का। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर कोई पीपीआई इश्यूअर विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाता, तो उस केस में उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर फर्दर 6 मंथ्स के लिए इसको भी एक्सटेंड कर सकता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जब 6 मंथ वाला SAR वाला जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाता है, आरबीआई सेटिस्फाई हो जाता है, तो उस केस में जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन है वो उस पीपीआई इश्यूअर को दिया जाता है, और ये जो पीपीआई इश्यूअर को सर्टिफिकेट दिया जाएगा इट विल बी वैलिड फॉर 5 ईयर्स। ये कितने, 5 साल के लिए वैलिड हो। उसके बाद में जैसे ही 5 साल का पीरियड खत्म हो रहा होगा, इससे पहले पहले उस पीपीआई इश्यूअर को इसको रिन्यूअल कराना होगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जब ये टाइम पीरियड खत्म होने जा रहा है, ये टाइम पीरियड खत्म होने से पहले पहले है ना, उस ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट का रिन्यूअल हो जाना चाहिए। जितनी भी जो एंटिटीज हैं उनको अगर जो रिन्यूअल कराना है 3 मंथ्स बिफोर दी एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी, है ना, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन है इसकी वैलिडिटी खत्म होने से है ना 3 महीने पहले पहले यहाँ पर उनको रिन्यूअल करा लेना है। उसके बाद में अगर एक 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 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, अगर यहाँ पर कोई पीपीआई इश्यूअर है उसका कोई भी प्रोडक्ट है,
अगर वो अपने किसी प्रोडक्ट में मेजर चेंजेस करना चाहता है ना, अपना कोई सिस्टम है उसमें बदलाव करना चाहता है, कुछ अपडेशन करना चाहता है, तो उस केस में उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अप्रूवल के लिए अप्लाई करेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर उसके पास में अप्रूवल आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाई, क्या ये जो पीपीआई इशूअर हैं इनके ऊपर केवाईसी, एएमएल और सीएफटी इंप्लीमेंट होता है, क्या ये लागू होगा? तो भाई अगर यहाँ पर पेमेंट की बात की जा रही है ना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है जिसमें यहाँ पर जिनसे पेमेंट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं सेफ गार्डिंग अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पर चाहे हम केवाईसी की बात करें, एएमएल की बात करें या सीएफटी की बात करते हैं, ये सारे प्रोविजंस, यहाँ पर चाहे हम बैंक की बात करें या नॉन बैंक एंटिटीज की बात करें, जो भी पीपीआई इश्यूअर हैं इनके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसकी, नो योर कस्टमर या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या कॉम्बेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इसको लेकर इट शैल बी अप्लाई टू ऑल दी एंटिटीज इशूइंग पीपीआई एंड देयर एजेंट्स। यहाँ पर जो पीपीआई इश्यूअर हैं उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा, या पीपीआई इश्यूअर का अगर कोई एजेंट है तो ये उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर पीपीआई इश्यूअर की बात करें तो पीपीआई इश्यूअर को सभी ट्रांजेक्शन के जो रिकॉर्ड हैं वो कम से कम 10 साल के लिए, एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स, कम से कम 10 साल के लिए यहाँ पर मेंटेन करके रखने हों। एंड यहाँ पर इसके साथ साथ जो पीपीआई इश्यूअर हैं, अगर कोई एसटीआर, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है ना, कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है तो एसटीआर जो रिपोर्ट है वो एफआईयूआईएनडी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के पास में यहाँ पर फाइल करनी होगी, यहाँ पर एफआईयूआईएनडी के पास में सबमिट करनी होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी सबमिट करनी होगी, आरबीआई के पास सबमिट, आरबीआई के पास तो सबमिट होगा ही होगा, इसके साथ साथ एफआईयूआईएनडी के पास भी यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो ये था भाई, यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे हम लोग, पीपीआई की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर। ये पीपीआई का पार्ट 1 था है ना, और इसके हम लोग पार्ट 2 में भी आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाले हैं। तो पीपीआई किस डिनोमिनेशन में इशू किए जाते हैं, कितने रुपए का मैक्सिमम पीपीआई इशू किया जा सकता है, कौन इशू कर सकता है, ये हम लोग बात करने वाले हैं इसके पार्ट 2 में। तो अगर आपकी तरफ से इस वीडियो में यहाँ पर अगर लाइक बटन के ऊपर हिट होता है, आप सभी की तरफ से रिस्पॉन्स आता है, तो डेफिनेटली हम इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। बस आपको क्या छोटा सा काम करना है, इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और स्टाफ मेंबर के साथ में शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। अगर आप इतना काम करते जाएंगे तो हम लगातार यहाँ पर इसके पार्ट 2, पार्ट 3 और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और भाई अगर आपका जीआईबी का, यहाँ पर जो सीआईबी का एग्जाम जून 2021 में है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जून 2021 में सीआईबी के एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ पर चाहे हम एबीएम की बात करें, चाहे हम बीएफएम की बात करते हैं, या इलेक्टिव पेपर में रिटेल बैंकिंग की बात करें, तो इसकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं यहाँ पर सीआईबी टारगेट बैच 3.0 में। और इस बैच में इन तीनों पेपर की तैयारी, प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, और ये यहाँ पर इवनिंग बैच है, 9 PM to 10:30 PM क्लासेस होती हैं, और हर लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस बैच में मॉक टेस्ट भी इंक्लूड किए गए हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। इसके साथ साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, 135 आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी, और हर लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इस बैच का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली एनरोलमेंट कर सकते हैं। 78% का डिस्काउंट पाने के लिए और इस सारे बेनिफिट लेने के लिए ऑलवेज यूज करें कूपन कोड Y195, ये कूपन कोड जरूर यूज करें। और ये बैच 15 मार्च से स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं उसके रिकॉर्डेड वीडियोस एनरोलमेंट पर आपको तुरंत मिल जाएंगे, और आगे की सभी लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनरोलमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, आइए उसको समझ लेते हैं। तो एनरोलमेंट आपको कैसे करना होगा, आप सबसे पहले अपने ब्राउजर में टाइप करें adda247.com। ये टाइप करने के बाद में बैंकिंग के ऊपर क्लिक करें, थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो सेकंड लाइन में सेकंड नंबर पे आपको मिल जाएगा CAIIB, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर थर्ड नंबर पे देखेंगे CIIB टारगेट बैच 3.0 है ना, जिसमें आप तीनों पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस बैच की सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे, शॉर्ट
स्टडी प्लान भी इसमें पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो 13,899 है। तो इसमें आपको व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है आप उसको टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में आपको टाइप करना है कूपन कोड Y195 और उसके बाद में अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो कूपन कोड Y195 की वजह से आपको 10,702 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो कंप्लीट बैच है 3,196 रुपीज़ में आज आपको मिल। अगर आज आप एनरोलमेंट कराते हैं तो डेफिनेटली गारंटीड आपको 3,196 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर आप गूगल प्ले स्टोर से अड्डा 24/7 की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके एनरोलमेंट कराते हैं तो एडिशनल 1% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा इस बैच। इसके साथ साथ आप में से जो रिटेल की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ओनली रिटेल बैंकिंग इंक्लूडिंग डिजिटल बैंकिंग, क्योंकि हम आपको डिजिटल बैंकिंग की प्रिपरेशन भी कराने वाले हैं, तो यहाँ पर जो सीआईबी जून 2021 के लिए रिटेल बैंकिंग के बैच में भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, है ना। इसके लिए यहाँ पर 32 आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, 5 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं रिटेल बैंकिंग के, और इसके साथ साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलेंगे। तो इसका जो प्राइस है 4,169 का है। इसमें आपको व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में कूपन कोड टाइप करें Y195 और भाई अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो मोर देन 3,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा किससे, कूपन कोड Y195 से आपको। और ये सीआईबी का जो रिटेल बैंकिंग का बैच है ये आपको टोटल मिल जाएगा 958 रुपीज़। तो यहाँ पर इन क्लासेस का, इन बैच का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे साथ में अपनी जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, उनको शेयर करें। तो चलिए फिर हम आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग।